हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल, अनदर वीडियो ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल, वेयर टुडे वी गोना टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने काइनेमेटिक्स की PYQs करी थी, और उससे पहले हम लोग की जो अभी डेली जो लेक्चर्स चैप्टर्स की चलती है उसमें फ्रिक्शन चल रहा था, राइट? तो फ्रिक्शन हमने खत्म किया था। अब फ्रिक्शन के बाद द नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम गोना टीच यू इज सर्कुलर मोशन, ठीक है? और आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली उसका डेफिनेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन का क्या कंसेप्ट है फिजिक्स में। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं सर्कुलर मोशन में, और उन टर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? सो वी गोना डू दैट। आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी बिग ऑफ अ चैप्टर, तो ये ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है? चैप्टर्स कुछ ही वीडियोज में मोस्ट प्रोबेबली इसको खत्म हो जाना चाहिए, सम अप हो जाना चाहिए चैप्टर्स। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बस इतना भरोसा रखिए कि कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल जेई स्टैंडर्ड की पढ़ाई जैसी आपकी होती है वैसी होते जाएगी, और पूरा कंटेंट जो भी है वो सब जेई लेवल का आपको मिलेगा, ठीक है? ओके, सो टुडे व्हाट वी गोना स्टडी, वी गोना स्टडी सर्कुलर मोशन। सो सबसे पहले तो हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आपको पता है कि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको इतना तो पता है कि पढ़ाना इज नॉट अ वेरी इजी जॉब, नहीं तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर आपको बैठकर पढ़ा रहा होता, राइट? उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, अपनी नॉलेज को एक जगह पर गैदर करना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, और मेरी वर्क स्केड्यूल के साथ मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है मेरा, इसीलिए मेरी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है वीडियोज़ की पर मंथ। तो मैं आपको वही बोलूँगा कि अगर आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट आएगा तो मेरी मोटिवेशन और बढ़ेगी वीडियोज़ को बनाने की, और वो सपोर्ट तभी आएगा जब मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है मेरी टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए एंड अपना फीडबैक दीजिए बेझिझक, ओके? एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस, प्लीज जस्ट डोंट वॉच इट, सब्सक्राइब इट। आई एम नॉट आस्किंग एनी सिंगल पेनी ऑफ रुपीज फ्रॉम यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन गेट सम मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज मोर फ्रिक्वेंट, ओके? सो हियर वी आर विद द डेफिनेशन, ओके, ऑफ वॉट सर्कुलर मोशन। सो वॉट डज बेसिकली सर्कुलर मोशन मीन? सर्कुलर मोशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्क्यूलर पाथ, अलॉन्ग अ सर्क्यूलर पाथ और ट्रेजेक्ट्री, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सर्क्यूलर पाथ के अराउंड या अलॉन्ग या ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग जो होता है, वाई ये सीरी क्यों ओपन हो, ओके? तो सर्कुलर पाथ के अराउंड या ट्रेजेक्टरी के अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मूवमेंट होता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो बॉल है ये इस सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा है। यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हो ये जो बॉल है ये एक सर्कुलर पाथ के अराउंड ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है, राइट? तो किसी भी सर्कुलर पाथ के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन करता है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है? ट्रेजेक्टरी भी तो सेम ही चीज हुई। Okay, I found this on the web. Okay. Sorry for the interruption. Let me mute it. Terms used in circular motion. I don't know why Siri is getting activated. हो सकता है मैं कोई कीवर्ड यूज ऐसा कर रहा हूँ जिससे Siri एक्टिवेट हो जाए। So terms used in circular motion, what it be? ठीक है? सबसे पहला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग थीटा से रिनोट करते हैं। किससे रिनोट करते हैं? थीटा से, ओके? तो ये क्या होता है? द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन और एंगल, ठीक है, विथ रिगार्ड टू अ रेफरेंस पॉइंट और एक्सिस इज रेफर्ड टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी आप इस अगर डायग्राम को देखो, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सिस है, ठीक है, जिसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस कहते हैं या एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है? ये जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, इसके अराउंड एक एक्सिस है, ये ब्लू लाइन, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है? इस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। कैसे कर रहा है डिस्प्लेसमेंट चेंज? तो आप देख पा रहे हो कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम
इस ऑब्जेक्ट का, जो ये रेड वाला ऑब्जेक्ट है, इसका एंगल चेंज हो रहा है, इसका एंगल चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस इसका एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो इसको कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इट क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम अंडरगोस. कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन एक ऑब्जेक्ट ने किया, ये क्वांटिफाई करता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये क्वांटिफाई करता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम लोग रेडियंस में डिनोट करते हैं, जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियंस. ठीक है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग रैड भी कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पॉइंट रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, सो दिस इज व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट. नाउ कमिंग अबाउट एंगुलर स्पीड, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं. ये डब्ल्यू नहीं है, याद रखना, दिस इज दिस ओमेगा. ठीक है, ये रेड आई गेस आप लोगों की आंखों में थोड़ा चुभेगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ. सो द पेस एट विच, द पेस का मतलब क्या हो गया, द स्पीड. ठीक है, एट विच एन आइटम और सिस्टम रोटेट्स. ठीक है, वो स्पीड जिससे कि कोई भी आइटम या कोई सिस्टम या कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, वैसी स्पीड जिससे कोई एक आइटम, एक सिस्टम या एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो या एक्सपीरियंस कर रहा हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी उसकी एंगल रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज हो रही हो, इसको हम लोग एंगुलर स्पीड कहते हैं, या फिर इसको रोटेशनल स्पीड भी कहते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वेरी फेमस टर्म एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं. ठीक है, एज वी नो कि एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी आर द सेम थिंग. ठीक है, ये क्या मेजर करता है बेसिकली, कि कितनी जल्दी कोई भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजिशन टाइम के साथ चेंज करता है. क्या मेजर कर रहा है, इट इज मेजरिंग हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट्स एंगुलर पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ऑब्जेक्ट का थीटा कितनी जल्दी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो अगर हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेके बैठे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, अब अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी एक पर्टिकुलर क्षण में, एक पर्टिकुलर सेकंड में अगर हमें ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे. सो ओमेगा इंस्टेंटेनियस विल बिकम डी थीटा बाई डी टी. ओमेगा इंस्टेंटेनियस विल बिकम डी थीटा बाई डी टी. ये क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, सो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहां पे ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन स्पीड से कवर कर रहा है सर्कल को. ठीक है, देखो शुरू में इतना किया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना. ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट क्या करता जा रहा है, कवर करता जा रहा है पूरे सर्कल को. ठीक है, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है हमें, कि जिस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर कोई होगा ऑब्जेक्ट, ये इस सर्कल को कवर कर रहा होगा, वो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन का, वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, क्या रिलेशन होता है. लीनियर वेलोसिटी अपना क्या हो गया, लीनियर मोशन में जो हमने अभी तक पढ़ा, काइनेमैटिक्स में अभी तक जो भी हमने पढ़ा, वो अपना क्या था, लीनियर वेलोसिटी था. ठीक है, यानी एक लाइन में चल रहा था, वो ऑब्जेक्ट एक लाइन में था. एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, क्या ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी. तो बट इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसने डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया डेल्टा टी टाइम में. ठीक है, लेट देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच कवर्ड डेल्टा एस डिस्टेंस इन डेल्टा
टी टाइम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, अच्छा सर्कल का नहीं, इसका कोई बात नहीं, मैं हाथ से बना दूंगा। आपके सर को कमी है क्या? वो तो बहुत गंदा बनाया ना मैंने। ये सर्कल है, ठीक है, मान लो आलू जैसा लग रहा है, मुझे पता है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल से डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा एस, ठीक है। कितने टाइम में किया, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। और ये है सर्कल का सेंटर सी, ठीक है। तो जो डेल्टा एस होगा वो क्या हो जाएगा, मान लो अगर रेडियस आर है सर्कल का और ये एंगल जो है ये डेल्टा थीटा है, ठीक है, कि शुरू में जितना था उससे जितना डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया, तो जो चेंज इन एंगल आया हुआ है डेल्टा थीटा, रेडियस सर्कल का आर है। तो अगर हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करें तो ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। बोलो क्या किया हमने, यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, ठीक है। तो अब इसको अगर हम दोनों साइड टी से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, ये बन जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो दिस इज वी, आर तो आर रह गया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज ओमेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, विच इज वॉट, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बी इज इक्वल टू इससे काफी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं आगे। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पे, ठीक है, हमारे आज के लेक्चर का सबसे पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस इन 3 सेकेंड्स, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और पहला 1/3 जो है सर्कमफेरेंस का उसको 3 सेकेंड में कवर कर रहा है और नेक्स्ट 1/3 को 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आया होगा क्योंकि अभी हमने डायग्राम बनाया नहीं है, अब हम बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है। ये रहा सर्कल का सेंटर, सर्कल के रेडियस के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो लेके चलेंगे कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी 1 मीटर, सेंटीमीटर जो भी होगा, ठीक है, तो वो मान के चलेंगे। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वी नो इट इज 2 पाई आर, वी नो इट इज 2 पाई आर, ठीक है। तो इस सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस विल बी व्हाट, 2 पाई, ये तो हमें क्लियर है, ओके। व्हाई सर, बिकॉज आर इज 1, रेडियस इज यूनिट, यूनिट रेडियस का सर्कल है। अब देखो एक चीज याद रखना, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए आपको सर्कल की बेसिक ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, जैसे उसका सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, फलाना ढिमाका, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर था, ठीक है, और अब यहां पर है, ठीक है, और इतना जो है वो 1/3 है सर्कमफेरेंस, इतना एरिया क्या है, 1/3 है सर्कमफेरेंस। तो 1/3 का मतलब टोटल सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई इस सर्कल का, और इसका 1/3 यानी 1/3 इंटू 2 पाई, ये हो गया, ठीक है। तो 1/3 इंटू 2 पाई क्या हो गया, टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कि इतना इसने डिस्प्लेस किया। तो डेल्टा थीटा, अपने को डेल्टा थीटा 1 अगर हम देखें तो वो है 1/3 इंटू 2 पाई। अब इसमें टाइम कितना लगा था, इसको
3 सेकंड लगा। अब नेक्स्ट 1/3 का देखते हैं। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, सॉरी अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ठीक है, और ये है डेल्टा थीटा 2। यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा? अगेन 2 सेकंड, 2 सेकंड, और अगेन ये 1/3 ही कवर किया है सरकमफेरेंस का, तो यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, 1/3 × 2π होगा। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा, 2π/3 प्लस 2π/3 विच विल बी इक्वल टू 4π/3, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है टोटल, 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड कितना, 5 सेकंड, एंड टोटल टाइम इलैप्स्ड या टोटल टाइम टेकन, 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड विच इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, निकल नहीं जाएगा। ओमेगा एवरेज क्या होता है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज 4π/3 बाई टोटल टाइम 5, ठीक है, 5 × 20π/3 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द बेसिक क्वेश्चन ऑफ अ सर्कुलर मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा रहा है। क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस 3 meters, इट्स लीनियर वेलोसिटी इज 5 m/s, फाइंड इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एक पार्ट क्या क्या डेटा दिया हुआ है पहले देखते हैं, गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है अपने पास, ठीक है, रेडियस कितना है 3 meter है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी कितनी है 5 m/s है, क्या निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, कहां से पता किया सर आपने, यहां से पता किया v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5 इज इक्वल टू 3 × ओमेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। A particle moves in a circular path with angular velocity of 2 rads/s. A particle circular path में move कर रहा है with angular velocity of 2 rads/s. At time t is equal to 0, the particle is at theta is equal to π/3 rads. ठीक है, एक particle है जो circular path में move कर रहा है with angular velocity 2 rads/s. t is equal to 0 time pe theta is π/3 rad. Determine the angular displacement of the particle after 5 seconds. Okay? Determine the angular displacement of the particle after 5 seconds. So, sabse pehle to, again, humare paas given data kya hai? Angular velocity is 2 rads/s. Okay? Initial angular position. Initial एंगुलर पोजिशन यानी थीटा नॉट, ये कितना है π/3 rad. क्यों मैंने ऐसा बोला, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट थीटा इज इक्वल टू π/3 rad, ठीक है, हमें क्या निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 5 seconds के बाद, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, जो कि मैं भी आप लोगों को जस्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू, ये क्या होता था, s इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी, ठीक है, ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो अगर इसमें वैल्यूज को प्लग इन करें, ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा नॉट इज 5/3, ओमेगा इज व्हाट 2 रेडियन, ठीक है,
इनटू ये क्या हो गया 5, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 11 पाई बाय 3 रेडियंस, ये आ गया अपने को थीटा। तो यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड्स इज हाउ मच, 11 पाई बाय 3 रेडियंस, हाउ मच 11 पाई बाय 3 रेडियंस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसे होता था उसी टाइप का है, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें अपने को नहीं है। अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा हमने अभी तक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब सिमिलरली उसी के जैसा एंगुलर एक्सेलरेशन है। इट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम्स एंगुलर वेलोसिटी वेरीज ओवर टाइम, यानी किस रेट से सिस्टम या ऑब्जेक्ट अपनी एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इट असेसेस, यानी ये असेसमेंट करता है कि कितना क्विकली किसी ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो कि टाइम t1 पे एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो ओमेगा 1 थी, t2 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी बन गई ओमेगा 2, तो जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं वो होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1, ये होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है अपना फॉर्मूला किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का। ठीक है, और अगर इसी के साथ अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा ना उसको, वो बन जाएगा अल्फा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डी ओमेगा बाय, ओमेगा लिखने में मैं हमेशा गड़बड़ क्यों कर देता हूँ, ओह शिट ये क्या हो गया, माय बैड, माय बैड गाइस, मैंने क्या बोला था आपको अभी कि अल्फा एवरेज क्या होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय टी 2 माइनस टी 1, तब जब टी 1 पे ओमेगा 1 हो वेलोसिटी टी 2 पे ओमेगा 2 हो, और अल्फा इंस्टेंटेनियस कैसे हो जाएगा टी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, ये दोनों याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन में कैसे होता है। तो देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, लीनियर में, लीनियर मोशन के केस में पहला फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये चांद पे दाग कैसे लग गया। तो सर्कुलर मोशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा v यानी ओमेगा, u यानी इनिशियल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, a इज अल्फा इनटू t, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। कैसे सर, v इज द फाइनल वेलोसिटी तो ओमेगा इज द फाइनल वेलोसिटी, सर u इज द इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट, ए को हम लोग सर्कुलर मोशन में अल्फा से डिनोट करते हैं तो ये ए की जगह अल्फा हो गया, और टाइम को तो टी से ही डिनोट करते हैं दोनों जगह। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कन्वर्ट करो इसको, एस को किससे डिनोट करते हैं, व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, यू क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट और ये क्या हो गया टी, ठीक है, प्लस हाफ टू हाफ, ए क्या हो गया अल्फा इनटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वॉट इज वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एल्फा थीटा, वाई ए इज अल्फा एस इज थीटा, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। ये आप एकदम अच्छे से बहुत ही तवज्जुम से याद रखिएगा, ये मैंने क्या कर दिया।
ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके बड़े काम आने वाला है, ठीक है। ये तीनों, ये जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने हर जगह इसका यूज किया था, वैसे सर्कुलर मोशन में भी इसका हर जगह यूज होगा। आगे चलिए, ओके आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड। एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज π/3 रेडियंस, अगर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/3 रेडियंस है, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। दो चीजें पूछी जा रही है, कितना टाइम लगेगा इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अगेन गिवन डेटा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, ओमेगा दिया हुआ है, विच इज 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। डेल्टा थीटा इज हाउ मच, π/3 रेडियंस, ठीक है। और हमें निकालना क्या है कि कितना टाइम लगेगा इतने डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, ठीक है। सो अगर टाइम निकालना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। वाई? बिकॉज सर ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा थीटा इज गिवन π/3, ठीक है। और इसको रीअरेंज कर लेते हैं ना, ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं, डेल्टा टी क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा थीटा बाय ओमेगा। तो डेल्टा थीटा इज हाउ मच, π/3, ओमेगा इज हाउ मच, 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, π/12 सेकेंड्स, π/12 सेकेंड्स। ये आ गया अपने को सबसे पहला पार्ट का आंसर, ठीक। कितना में टाइम लग रहा है इतने डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, π/12 सेकेंड्स, ठीक है। सो π/3 रेडियंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में π/12 सेकेंड्स लग रहा है, ओके। अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यही करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेल्टा टी तो हमें पता चल गया π/12, डेल्टा ओमेगा शुरू में मान लेते हैं पार्टिकल रेस्ट पे था, अभी 4 रेडियन पर सेकेंड है, तो 4 π/12, 12 4 जा 48, 48 π/r/s² स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। कूल कूल एवरीबॉडी, आई होप इट इज वेरी कूल, ठीक है। अब अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अंडरगोज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यानी उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इफ इट रीचेज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 12 रेडियन पर सेकेंड, कैलकुलेट द टाइम टेकन एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इस गाड़ी को एंगुलर वेलोसिटी 12 रेडियन पर सेकेंड हो जाती है आगे चल के, तो कितना टाइम लगा इतना होने में, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ तक पहुंचने में गाड़ी ने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी अपने को गिवन है, ओमेगा नॉट इज 0, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालनी है सबसे पहले, तो टाइम निकालने के लिए हम कौन से यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू u+at, ठीक है। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा, ठीक है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट तो 0 है, ओमेगा इज 12, अल्फा कितना है 2, ये क्या आ गया 6 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लगा गाड़ी को 12 रेडियन पर सेकेंड तक पहुंचने में, 6 सेकेंड लगा। ये अपना पहला पार्ट का आंसर हो गया, है ना। दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ कम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इज इक्वल टू ut+half at² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो
डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, यू टी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा नॉट इज जीरो, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, जीरो। डेल्टा थीटा यही तो निकालना है हमें, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा कितना है, टू इंटू टी इज 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 36 रेडियंस। दिस इज योर आंसर। ओके, हैव अ लुक एट इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, एक डिस्क है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एंड स्टार्ट एक्सेलरेटिंग एज ए इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर अपॉन अप्लाइंग टॉर्क ऑन इट। अब आप बोलोगे सर टॉर्क क्या होता है, या रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर फोर्स नहीं लगता, उस पर टॉर्क लगता है। ठीक है, आगे पढ़ोगे, इसका ऐसे भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 4t माइनस टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी विच इज 4t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये अगर डी ओमेगा इधर चला गया, 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ये दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा देंगे, जीरो से ओमेगा, ये जीरो से 5। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया ओमेगा, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, 0 to 5। ठीक है, अब इसमें वैल्यू जब पुट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 10/3 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, क्लियर कट स्ट्रेट सॉल्यूशन, सीधा रास्ता, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सेलरेशन से डी ओमेगा बाई डी टी निकाल लिया, डी ओमेगा बाई डी टी से इंटीग्रेट करके ओमेगा निकाल लिया। ठीक है, ओके, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल undergoing circular motion, ठीक है, is given by theta t is equal to, theta t is equal to 3t का पावर 4 माइनस 0.8। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 8 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का आफ्टर 8 सेकेंड, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी को हम बोलेंगे ना एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 12t³, सिंपल। और हमें क्या निकालना है आफ्टर 8 सेकेंड, इसमें 8 सब्स्टिट्यूट कर दो, 12 × 8 का क्यूब जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए रखे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड सर्कुलर मोशन इन अ मच डिटेल्ड मैनर, in a manner which was quite necessary and it is of industry standards. ठीक है, so guys I would request you now कि अगर अभी तक आप बैठे हो, क्योंकि आपको JEE निकालनी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एक IITian बनना है, तो मुझे डेफिनेटली श्योर है कि आप अभी तक यहाँ बैठे होगे, इस वीडियो को एंड तक देख रहे होगे। तो अभी तक अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो गुरु दक्षिणा देते जाओ भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, और ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो भी आपकी कोचिंग की स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका यू नो बुक है, जो आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हो, उसकी बेसिक एक्सरसाइज यानी सबसे शुरू की जो एक्सरसाइज है उसको आप बनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बेसिक टॉपिक्स टच किए हैं, अभी हम लोग JEE लेवल के टॉपिक पे गए नहीं है। ठीक है, तो उसको बनाने की थोड़ी कोशिश करो और देखो कि लेवल 2 का भी बन सकता है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, बन जाए तो सुभान अल्लाह, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट का पूरा ABCD पढ़ा दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन भी अपने जम के प्रैक्टिस किए अलग अलग वैरायटी के, तो सोचना तो आपको आ गया है, अब आपको सोचने को अप्लाई करना है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप कैसे करोगे और किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो चलो गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।